हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल रिटेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आखिर कब तक होगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का रिटेन एग्जामिनेशन? 4 लाख कैंडिडेट लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं रिटेन एग्जामिनेशन के, तो सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे मतलब इसका मुख्य जानकारी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें सीआईएसएफ का 429 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ था दोस्तों। यह कब आया हुआ था? 2019 में आया हुआ था, ठीक है। और वैकेंसी आया हुआ था, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। उसके बाद उनका हुआ था पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट हो गया है दोस्तों। तो कंप्लीट होने के बाद फाइनली जो 4,732 कैंडिडेट पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन में पास हुआ है, इनका ही रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो आपका रिटेन एग्जामिनेशन में कितना कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं? तो 4,732। अब आपको बता दें कि जो 3 साल हो गया लमसम, अब 22 आने वाला है, तो अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। तो लमसम बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट है जो भूल गए हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन और पीएचडी भी क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भूलने का मतलब गलती मत कीजिए और आप अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, ताकि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल बहुत ही अच्छा जॉब होता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा इस पर टाइम दे सकते हैं फाइन, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन डेट भी, उस कब एग्जाम होने वाला है उससे के बारे में बात करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो इसमें आपको मैथ पूछा जाएगा 25 नंबर का दोस्तों, और रीजनिंग पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, जैसे कि पिछला बार हुआ था। उसके बाद जीके, और जिसमें करेंट अफेयर्स भी रहती है 25 मार्क्स का, हिंदी या इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बोलिएगा कि सर इसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? तो आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यानी सीबीटी होगा दोस्तों। इसके बाद जो कैंडिडेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल एंड मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या था, 2015 में जो पोस्ट आया हुआ था 700 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, और एग्जामिनेशन कितना कैंडिडेट दिए थे? तो 1,963 कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए थे। इसका कट ऑफ काफी हाई जाता है हर बार एग्जामिनेशन के, शायद इस बार कम जाएगा, ताकि बहुत दिन हो गया है रिटेन एग्जामिनेशन हुआ नहीं है। तो लमसम 50% या 40% ही कैंडिडेट एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। तो कट ऑफ काफी कम जा सकता है, तो इसीलिए अगर आप पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन पास किए हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो बात करेंगे कि पिछला बार कट ऑफ गया था 88 जनरल कैंडिडेट का गया था, उसके बाद ओबीसी 86 गया था, एससी 83 गया था, और एसटी का गया था 76। ईडब्ल्यूएस पिछला बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बार बता दें आपको कि जो यूआर के लिए है 222 पोस्ट है, उसके बाद ओबीसी के लिए 114 पोस्ट दिया गया है, और एसटी के लिए 63 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपको 30 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका जो मुख्य बात सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल से रिलेटेड। जहां तक हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि 10 से 15 दिन के अंदर में सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल का आपका रिटेन एग्जामिनेशन का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। और जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है दोस्तों।
तो आपके बाद समय लगभग वही 2 महीना के आसपास बच रहा है, 2 महीना से कम ही बच रहा है, 1.5 महीना। तो अभी से अगर भूल चुके हैं CISF को तो अभी से याद कीजिए और आप अभी से रिटेन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लग जाइए। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इतना मार्क्स, अब देखिए बात करेंगे कि क्या है जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन पर इतना जोर देने के लिए काहे बोल रहे हैं, ठीक है। जो इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी से मतलब फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए हैं तो जनरल का इस बार का लमसम कटअप उतना ही 70+ ही जाने वाला है, नो डाउट। इतना दिन हो गया है तभी भी इसका कटअप हाई जाता है, उसके बाद 70+ जाएगा, इसका भी मतलब 65 या 70+ रख लीजिए, इसका 75+ रखिए, इसका 70+ मार्क्स रखिए, इसका 65 और इसको 65+ के मार्क्स के लेके चलिए, ठीक है। इस बार कम से कम इतना नंबर लाना पड़ेगा, तो आप अभी से स्टडी कीजिएगा तभी तो रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा। और उसके बाद अगर टाइपिंग भी भूल चुके हैं तो टाइपिंग को भी आप थोड़ा थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो फिर रुकेगा ही नहीं, फिर धीरे धीरे आपका प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे भी 3 साल हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है इसका एग्जामिनेशन में, तो आप समझ पा रहे हैं बखूबी कि इसका एग्जामिनेशन जो बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों। तो यही बहुत सारे कैंडिडेट का इंक्वायरी आ रहा था कि सर CISF का रिटेन एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो हम सोचे क्यों ना 10 मिनट के थोड़ा सा बात कर ले आप लोगों से। तो वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।